हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम कल के लिए स्टॉक वॉच लिस्ट और इंट्राडे ट्रेड सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर को हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर से सुर्खियों में बना रहा। आज इसने एक नया 52 वीक हाई बनाया 1854.8 पे और फाइनली इसने 1848.1 पे अपना क्लोजिंग दिया। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, करेंटली सेलर साइड पे 11,890 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो कल ये मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, इसीलिए आप इसमें लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने से अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका टेक्निकल सेटअप को देख सकते हैं। करेंटली इसने अक्टूबर 31 से सुपर ट्रेंड में एक बुलिश सिग्नल जनरेट किया था, इसके बाद इसमें एक अच्छा सा रैली देखी जा सकती है। करेंटली ये अपने 52 वीक्स हाई पे चल रहा है, इसी वजह से हम आपको ये बोल सकते हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसमें अपना लॉन्ग पोजीशन लेने से अवॉइड कर सकते हैं। जब इसमें कोई नया सिग्नल जनरेट हो और यहाँ वॉर्टेक्स में भी एक क्रॉसओवर जनरेट हो, तब आप इसमें एक नया ट्रेड ले सकते हैं और अपना पोजीशन भी इसमें बना सकते हैं। ग्लोबल रेटिंग फॉर्म S&P ग्लोबल ने आज टाटा मोटर्स पे अपना क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने के बाद इसमें इंट्राडे के दौरान 3% का एक डाउनसाइड को देखा गया। इसी वजह से आगे भी आपको इसमें लॉन्ग साइड बनाने से कुछ दिनों तक अवॉइड करना चाहिए। तो ये टाटा मोटर्स अभी कुछ दिनों के लिए ऐसे ही साइडवेज मूवमेंट कर सकता है और इसमें थोड़ा सा डाउनसाइड भी देखी जा सकती है। अगली खबर के बारे में बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज पे CLSA ने अपना बाई कॉल देते हुए इसमें 44% का एक अपसाइड को फोरकास्ट किया है और इसी वजह से कल हम इसमें एक अच्छा सा रैली को आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसमें छोटा क्वांटिटी लेके ट्रेड कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज का जो टारगेट प्राइस सेट किया गया है वो है 380 रुपीज और ये करेंटली 261.6 के लेवल पे चल रहा है, तो ये अभी एक अच्छा लेवल पे मौजूद है, तो आप इसमें एक छोटा क्वांटिटी लेके ट्रेड कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म UBS ने अरविंद पे अपना बाय रेटिंग देते हुए इस पे 29% का एक अपसाइड को फोरकास्ट किया है, तो इसी वजह से आज इंट्राडे के दौरान इसमें 6% का एक रैली को ऑब्जर्व किया गया और करेंटली ये 2.93% के अपसाइड के बाद 103.70 पे क्लोज होता है। तो कल हम इसी वजह से इसमें फिर से एक रैली की उम्मीद कर सकते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही अदानी गैस में आज एक अच्छा सा उछाल देखा गया, आज इसने लगभग 10% का एक बड़ा सा रैली को ऑब्जर्व किया गया। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, करेंटली इसके बायर साइड पे ओनली बायर साइड पे ही ऑर्डर्स लगे हुए हैं और BSE में 34,000 और NSE में 1,04,000 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो कल ये फिर से गैप ऑफ ओपनिंग दे सकता है। तो आप इसको बाय साइड में लेते हुए इसमें अपना छोटा सा क्वांटिटी लेके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, करेंटली सन फार्मास्यूटिकल फिर से डाउनसाइड की ओर मूव करता हुआ चल रहा है। करेंटली ये आज 6.76% के डाउनसाइड के बाद 412.95 पे क्लोज होता है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। यहाँ पे आपको बायर साइड में 1,39,500 ऑर्डर्स दिखने को मिलेंगे और फिर भी हम आपको ये बोल सकते हैं कि आपको इसमें बाई साइड में अपना पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि आज इसने अपना 52 वीक्स लो को अप्रोच किया है, तो कल ये और नीचे की ओर मूव कर सकता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी के लिए इसमें कोई भी ट्रेड या पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। वैसे ही अगर हम बोले तो भारत फोर्ज में आज 8.44% का एक डाउनसाइड को ऑब्जर्व किया गया, तो आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये चेक करना है कि कल अगर मार्केट ऐसे साइडवेज मूवमेंट करता है या नीचे की ओर मूव करता है, तो आपको इसमें सेल साइड पे अपना ट्रेड लेना है, क्योंकि आज इसने अपना 52 वीक्स लो 525.55 को अप्रोच किया था, तो इसी वजह से कल इसमें फिर से एक डाउनसाइड आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद बन जाती है, तो आप छोटा क्वांटिटी लेके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट में जो स्टॉक्स में प्राइस इंक्रीज होने के साथ वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ, वो सब है
EDLBS Financial, Shankara Building Product, India Bulls Venture और City Union Bank। इनमें से आप सिर्फ EDLBS Financial में अपना ट्रेड कल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 251% का वॉल्यूम में ग्रोथ होने के साथ साथ इसमें 3.35% का प्राइस में चेंज देखा गया है। इसके अलावा आप इस शेयर को, शंकरा प्रोडक्शन शेयर को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये निफ्टी 500 में बहुत नीचे की ओर आता है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। इसके अलावा आप सिटी यूनियन बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 378% का वॉल्यूम में ग्रोथ आने के साथ साथ इसमें 2.06% का प्राइस में एक उछाल देखी जा सकती है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहां आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा डेली मार्केट अपडेट्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। निफ्टी 50 पॉइंट्स के गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद दिन भर साइडवेज मूवमेंट करता रहा और फाइनली इसने 86.6 पॉइंट्स नीचे 10,782.9 पे अपना क्लोजिंग किया। अगर हम कुछ ग्लोबल इंडाइसेस की ओर रुख करें तो हम देख सकते हैं करेंटली डाउ जोन्स 800 पॉइंट्स से डाउन साइड पे चल रहा है, वैसे ही S&P 500 90 पॉइंट्स और नैस्डैक करेंटली 283 पॉइंट्स डाउन साइड पे चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। अगर हम निफ्टी 50 के फ्यूचर की ओर रुख करें तो हम देख सकते हैं करेंटली ये अभी के क्लोजिंग लेवल से लगभग 60 पॉइंट्स ऊपर की ओर चल रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के इम्पैक्ट के वजह से और फॉरेक्स मार्केट में इंडियन रुपी का गिरावट होने के वजह से कल हम फिर से एक डाउनसाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। करेंटली फॉरेक्स मार्केट में इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले 70.605 के लेवल पे चल रहा है और ये अपने मूविंग एवरेज और इंडिकेटर्स में स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रहा है, तो हम कल रुपी के लेवल को और ऊपर की ओर मूव करता हुआ देख पाएंगे। अभी हम निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट को देख पा रहे हैं। आज इसने अपने 9 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10,780 के जस्ट ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है और ये लेवल कल ब्रीच होता हुआ दिख रहा है, तो हम फिर से कल मार्केट में एक डाउन साइड की उम्मीद कर सकते हैं। ये बात हम इसके RSI लेवल से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉर्टन डाउनफॉल देखी जा सकती है और ये अभी 56.49 के लेवल पे चल रहा है, जो कि कल और नीचे की लेवल को मार्क कर सकता है। अभी हम इसका ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं आज 10,700 के लेवल्स पे 69,000 पुट की राइटिंग हुई है और करेंटली इस लेवल पे 27,06,975 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखी जा सकती है। तो ये लेवल कल के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन जाता है। और अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो करेंटली 10,500 के लेवल्स पे सबसे ज़्यादा 35,655,675 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखी जा सकती है। तो ये लेवल एक्सपायरी के लिए पहला सपोर्ट लेवल और हम 10,000 के लेवल्स पे भी सबसे ज़्यादा 38,94,075 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे हम पुट की अनवाइंडिंग होता हुआ देख पाएंगे, तो ये लेवल अभी के लिए एक वीकर सपोर्ट लेवल के रूप में देखा जा सकता है। तो हम 10,200 के लेवल्स पे करेंटली 1.7 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ देख पाएंगे और इस लेवल पे हम 33,20,850 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं। तो ये लेवल अभी के लिए एक्सपायरी तक दूसरा सपोर्ट लेवल के रूप में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। कॉल साइड में देखें तो कल के लिए हम 10,900 के लेवल्स पे 10,800 के लेवल्स पे 1.68 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे, तो ये लेवल कल के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल के रूप में देखा जा सकता है और 10,900 के लेवल कल के लिए दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, क्योंकि इस लेवल पे अभी 18,85,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देखी जा सकती है और अभी भी
11,000 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल इस एक्सपायरी के लिए बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस लेवल पे करेंटली सबसे ज्यादा 27,81,900 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देखी जा सकती है। अभी हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट को देख पा रहे हैं। आज निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने अपना 9 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 26,566.08 है उसको ब्रीच करते हुए नीचे की ओर क्लोजिंग दिया है, जो कि इसके RSI लेवल से भी हम चेक कर सकते हैं। इसके RSI में हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल को फॉर्म होता हुआ देख पाएंगे और ये करेंटली 58.09 के लेवल पे चल रहा है, जो कि और नीचे की लेवल की ओर मूव कर सकता है। अभी हम इसका ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 26,500 के लेवल्स पे आज सबसे ज्यादा 3.85 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होता हुआ हम देख सकते हैं, और हम 26,000 के लेवल्स पे करेंटली 1.7 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड होता हुआ भी देख पाएंगे। तो 26,000 अभी के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल माना जा सकता है। वैसे ही अगर हम कॉल साइड में चेक करें तो 27,000 के लेवल्स पे आज 5.04 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ हम देख सकते हैं, और इस लेवल पे सबसे ज्यादा 17,57,120 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखी जा सकती है। तो ये लेवल कल के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के रूप में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो।